व्हाट्सएप गाइस, दिस वाचिंग एम के वी टेक्निकल। फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अमन एक नए वीडियो के साथ फिर से आ चुका हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हाइड व्यू स्टेटस के बारे में। जी हां फ्रेंड्स, अगर आप एक व्हाट्सएप यूजर हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हाइड व्यू स्टेटस होता क्या है, कैसे इसको यूज करना है और इसमें क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको हम डिटेल से बताने वाले हैं, तो बने रहेगा वीडियो के साथ में। वीडियो को कहीं पर आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन पर ऑल कर दीजिएगा ताकि हमारी सभी रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको लेकर के चलता हूँ अपनी व्हाट्सएप पर और आज आपको मैं सिखाता हूँ हाइड व्यू स्टेटस के बारे में। तो आप देख सकते हैं हमारा जो यहाँ पर व्हाट्सएप है ये ओपन हो चुका है। अब चलिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि हाइड व्यू स्टेटस कैसे सेट करते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं। तो आप बने रहेगा वीडियो के साथ में। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर स्टेटस में जाता हूँ और तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टेटस दिख रहे होंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए कि मैं किसी का स्टेटस को देखता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर इनके वाले स्टेटस को देखता हूँ तो इनको मालूम हो जाएगा कि मैंने इनके स्टेटस को सीन कर लिया है। और आप चाहते हैं कि आप ये चाहते हैं कि इनका स्टेटस सीन करने के बाद भी इनको मालूम ना हो कि आपने इनके स्टेटस को सीन कर लिया है, तो कैसे क्या करना है इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इनके स्टेटस को सीन कर रहा हूँ और इनको मालूम हो जाएगा कि मैंने इनके स्टेटस को सीन कर लिया है। अगर आप चाहते हैं कि इनके स्टेटस को सीन करने के बाद इन्हें ना पता चले कि आपने इनके स्टेटस को सीन कर लिया है, तो आपको एक छोटी सी सेटिंग करनी होगी। आपको सबसे पहले अपने यहाँ पर राइट साइड में आपको यहाँ पर चैट पर क्लिक कर लेना होगा और होम पेज पे आने के बाद में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर राइट साइड में थ्री डॉट लाइन पर क्लिक करना होगा। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है फर्स्ट ऑप्शन एफएम मोड्स, आपको इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, आपको इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स जैसे आप यहाँ पर नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है हाइड व्यू स्टेटस। आप यहाँ पर हाइड व्यू स्टेटस ये आपका ऑफ होगा, आपको इसको ऑन कर देना होगा, यानी आपको इसको इनेबल कर देना होगा। जैसे आप इसको इनेबल कर देंगे उसके बाद में आप किसी का भी स्टेटस को देखेंगे तो उसको मालूम नहीं चलेगा कि आपने उसके स्टेटस को सीन कर लिया है। तो अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं तो जब आप उसके स्टेटस को देखेंगे तो उसे मालूम हो जाएगा कि आपने उसके स्टेटस को सीन कर लिया है। तो आप इसको स्टेटस को अगर किसी के भी स्टेटस को आप देखते हैं और चाहते हैं उसे मालूम ना चले तो आप इसको इनेबल कर दीजिएगा। इनेबल करने के बाद आप जब भी किसी के स्टेटस को आप देखेंगे तो वो उसको मालूम नहीं चलेगा कि आपने उसके स्टेटस को सीन कर लिया है। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। थैंक यू और धन्यवाद। जय हिंद।